एशिया कप से पहले रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज आ रही है। स्टार गेंदबाज जल्द ही भारतीय क्रिकेट टीम में वापसी कर सकते हैं। बीसीसीआई सूत्रों की माने तो बुमराह अगस्त में आयरलैंड के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज में वापसी कर सकते हैं। टीम इंडिया को वेस्टइंडीज दौरे के बाद और एशिया कप से पहले आयरलैंड के खिलाफ टी20 मैच खेलने हैं। पिछले साल सितंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज खेलने के बाद से बुमराह टीम से बाहर चल रहे हैं। हालांकि देर ही सही टीम इंडिया और बुमराह के लिए दुरुस्त खबर सामने आई है। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने मीडिया चैनल से बातचीत में बताया कि बुमराह ऑलमोस्ट अपनी फिटनेस हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा वे अगस्त में होने वाली आयरलैंड सीरीज के लिए भी अच्छे दिख रहे हैं। ये भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर होगी क्योंकि बुमराह लंबे समय से चोटिल थे और एशिया कप से पहले उन्हें फॉर्म हासिल करने का बढ़िया मौका मिलेगा। अगर सब कुछ सही रहा तो आप जल्द ही बुमराह को मैदान पर खेलता देखेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा, नितिन पटेल और रजनीकांत की निगरानी में बुमराह लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं और NCA में रिहैब की प्रोसेस से गुजर रहे हैं। हमारे दोनों ही एक्सपर्ट अनुभवी हैं और बुमराह के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। भारत को इस साल एशिया कप और वनडे वर्ल्ड कप भी खेलना है। इसके अलावा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नए सीजन की शुरुआत भी हो गई है। बुमराह इस समय NCA के अध्यक्ष VVS लक्ष्मण और नितिन पटेल की निगरानी में प्रैक्टिस और ट्रेनिंग कर रहे हैं। नितिन पटेल इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य फिजियो के रूप में काम कर चुके हैं। बुमराह ने इस साल जनवरी में श्रीलंका के खिलाफ घरेलू सीरीज में वापसी की कोशिश की थी, लेकिन ये फैसला उनका जल्दबाजी वाला साबित हुआ क्योंकि इसके एक महीने बाद ही उनको सर्जरी करानी पड़ी थी।